इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसे बताते हुए दिल जो है गार्डन गार्डन सा हो रहा है, और ये मुझे बात कहनी है कि बिग बॉस किसी के साथ अनफेयर नहीं कर रहे हैं। आ गया है होस्ट दोस्त राहुल भोज, और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आप सभी दर्शकों को बता दूं तो बिग बॉस अगर किसी को देते हैं तो उससे छीन भी लेते हैं, और ऐसा ही कुछ निक्की तंबोली के साथ हुआ है जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही बड़बोली बन गई थी। क्या कहती थी वो, अरे तुम लोग पहले दिक्कत तो दिखाओ, मेरा नाम लेके तुम दिख रहे हो और तुम लोग कन्फर्म होके तो दिखाओ। बिग बॉस ने इसी एटीट्यूड को, इसी रेकलेस एटीट्यूड को तहस नहस कर दिया है, घमंड का सर कुचल दिया है। और क्या किया है बताऊं, बिग बॉस ने बाकी के जो टू बी कंफर्म कंटेस्टेंट्स हैं उनसे पूछा है कि अब आप लोगों को एक डिसीजन देना है कि निकी को कंफर्म सदस्य रखना है या फिर निकी को भी टीबीसी में लाना है। और भैया जो हंगामा हो रहा है घर के अंदर, बाप रे बाप, गौर हीना सिद्धार्थ का दोस्तों एकदम से शॉकिंग रिएक्शन आया है और ये लोग बहुत ही शॉक हैं। वही दोस्तों आपको बता दूं तो यहां पर निकी के लिए, निकी को मतलब इसी बात पे निकालने के लिए, अगेंस्ट के लिए जो लड़ रहे हैं वो जान कुमार सानू लड़ रहा है। वो बोल रहा है कि आप घमंडी हो चुकी हो, प्लस साथ ही साथ आप जिस तरीके से टॉन्ट कसती हो कि मैं तो कंफर्म हूं, तुम तो कंफर्म होके तो दिखाओ पहले, मैं तो दिखती हूं इसलिए, तो इस वजह से आपको नहीं रहना चाहिए, आप डिजर्विंग वन नहीं हो। वही दोस्तों निशांत मलकानी जो कि निकी का दोस्त है, उसने पलटी मार दी, बाय गॉड बड़ा मजा आया देखकर। वही दोस्तों इस पर ये जैस्मिन भी एकदम, क्योंकि जैस्मिन ऑलरेडी हर्ट है इस बात से, और जैस्मिन भी जो बोल रही है ना लिटरली मजा आ रहा है। अब दोस्तों यहां पर देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से निकी की ये जो सीनियोरिटी है वो छीन ली जाएगी और घर वाले क्या क्या दलीलें पेश करेंगे। आपको क्या है कहना इस बात को सुनने के बाद, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही है और मैं हंसते हंसते लुटपोट हो रहा हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं, मुझे जरूर बताएं, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए चैनल फीफा फूज। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या करते हैं, लेकिन निकी को जो शॉक लगा है वो देखने लायक है।